आप सभी का दिल होने वाला है बहुत ही खुश क्योंकि आज मैं लेकर के आई हूँ एक से बढ़कर एक बढ़िया टिप्स सिंपल से टिप्स है कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं है लेकिन आप देखकर खुश हो जाएंगे हम बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए इस तरीके से कोई पजामा निकर या कोई भी ऐसी पैंट लेकर आते हैं जिसमें इलास्टिक लगी होती है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी टाइट आ जाती है जिसकी वजह से हम पहने से कतराते हैं बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि हम पहनते ही नहीं हैं और अगर बहुत बार उसे पहन ले तीन चार बार दस बार तो वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है लेकिन ढीली होने तक हमें जो तकलीफ होती है उस टाइट पैंट की वजह से वो बर्दाश्त नहीं होती है तो एक बहुत ही सिंपल आपको तरीका बताऊंगी जो भी पैंट या निकर आपकी बहुत टाइट है आप उसे खुद पहनकर ढीला करने की बजाय इस तरीके से किसी भी मोटे बड़े डब्बे के ऊपर इस तरीके से चढ़ा दें मतलब वो आ, जो पैंट का डायमीटर है उससे बड़ा होना चाहिए और इसे ऐसे ही रहने दें रात भर दिन भर 24 घंटे के लिए और बहुत देर तक इसी के ऊपर इसे चढ़ाए रखेंगे तो क्या होगा कि इलास्टिक जो है थोड़ी सी खुल जाएगी थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी जिसकी वजह से ये टाइट पैंट अगर आप डायरेक्टली बच्चों को पहनाते हैं या बड़े पहनते हैं तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितना ज़्यादा बड़ा डब्बा होगा उतनी ही ज़्यादा ये लूज़ हो जाएगी जिसकी वजह से आप इसे आराम से पहन पाएंगे चाय वगैरह हम जब भी बनाते हैं तो वो अक्सर उबल जाती है पतीले से बाहर निकल जाती है मुझे एक बहुत अच्छा तरीका पता है वैसे आपने बहुत बार आ, इंटरनेट पे देखा भी होगा कि कुछ लोग जो लकड़ी का कड़छी होती है उसे रखते हैं चाय के अंदर लेकिन मैं तो अपनी छुरी या कड़छी या चम्मच या जो भी है जो भी चीज़ अवेलेबल है उसे इस तरीके से चाय में डाल देती हूँ फिर गैस भले फुल भी हो तो वो उबल उबल के वहीं पर रहती है बर्तन से बाहर नहीं जाती है अगर आप चाय के आसपास नहीं है कहीं दूर है और आपको डर है कि चाय उबल कर बाहर गिर जाएगी तो ये देखिए गैस हमारी फुल है पर क्योंकि मैंने इसके अंदर इस तरीके से एक छुरी रखी हुई है तो चाय जो है वो उबल के पतीले से बाहर नहीं आ रही है और एक और चीज ये वाली जो छुरी है मेरी ये आयन की यानी कि लोहे की है तो जब ये चाय के साथ उबल रही है तो चाय में आयन भी आ जाता है मतलब जिनको लोहे की कमी है आयन की कमी है अगर वो इस तरीके से लोहे की कोई भी चीज़ चाय में या जिस भी चीज़ में आप पीने वाले हैं अगर डाल देते हैं तो आयन भी अच्छा रहता है तो ये रोज़ करने से मुझे तो बड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा तेल बना कर रखा है मेरी बेटी के पैर में मोच आ गई थी पैर मुड़ गया था और इस तेल में क्या क्या मैं बता देती हूँ सरसों का तेल है जिसे हमने गरम किया था और उसमें डाली है हल्दी और अजवाइन अब ये तेल बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है थोड़ा सा बनाया है इसे रोज़ रात को मैं लगाकर कर पट्टी बांधकर उसे सला देती हूँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे ढकने की प्रॉब्लम है छोटी सी कटोरी में है ना तो इतनी बड़ी वाली प्लेट में अगर हम इसे ढक कर रखेंगे तो प्लेट गिर जाएगी रात को और इतनी छोटी सी तो कोई प्लेट होती नहीं है ढकने के लिए देखिए ये प्लेट भी बहुत बड़ी है तो इस ऑयल को या तो आप किसी डब्बी वगैरह में रख सकते हैं लेकिन मुझे नहीं रखना था क्योंकि ऐसे उंगली से निकालना और उसके पैरों पे लगाना मुझे आसान हो जाता है इसी आ, कटोरी में मुझे रखना था तो ये देखिए वेस्ट फॉइल पेपर है टिफ़िन का बचा हुआ आप बड़ी कटोरी हो छोटी हो किसी भी साइज़ की हो अगर उसके ऊपर की आपको ढकने की प्लेट अच्छी सी नहीं मिलती है और आपको डर है कि कोई कचरा वगैरह अंदर चला जाएगा तो फॉइल पेपर बहुत अच्छे तरीके से कटोरियों पर फिट हो जाती है आसपास से कोई कीड़ा कॉकरोच धूल मट्टी बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाती है बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे पाउडर्स हम बड़े डब्बों में ले आते हैं लेकिन उसके ऊपर एक एक्सपायरी एक डेट होती है और वो बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं जैसे कि ये वाला है बहुत अच्छी खुशबू थी एक्सपायर होने के बाद भी अच्छी खुशबू आ रही है लेकिन मन नहीं मान रहा है कि हम एक्सपायर पाउडर को यूज़ करें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हमारे किचन में देखिए इस तरीके के ऑयल के दाग वगैरह लग जाते हैं हल्दी के दाग लग जाते हैं तो उसे निकालने के लिए हम कपड़े से पोछते हैं तो क्या होता है वो तेल कपड़े पे लग जाता है फिर कपड़े को भी हमें धोना पड़ता है तो हमारा काम जो है वो डबल डबल हो जाता है तो अक्सर आप टिश्यू पेपर से या किसी न्यूज़ पेपर से पहले तेल को शायद पोछते होंगे वो तरीका तो है ही अच्छा लेकिन अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है और आपके पास पाउडर है तो मैं क्या करती हूँ जहाँ नमक मिर्च मसाले रखे हैं वहाँ ही एक्सपायर्ड पाउडर का डब्बा भी रख देती हूँ जब कभी भी इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो बस थोड़ा सा पाउडर छिड़का अभी इसे मुँह वगैरह पर तो लगाने वाले हैं नहीं क्योंकि एक्सपायर्ड है तो बस ऐसे थोड़ा सा छिड़क लेते हूँ और तेल के हल्दी के जो भी दाग है वो भी चले जाते हैं और उस जगह से जहां पे हमने ये पाउडर डाला है अच्छी मस्त वाली खुशबू भी आने लगती है और ये पाउडर आप आईब्रो वगैरह अगर करते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं कहीं तेल का दाग निकालना है कपड़े से तो उसे में यूज कर सकते हैं कभी कभार घर पर ऐसा होता है कि हमारे जो ग्लासेस हैं या कोई बर्तन है बिल्कुल सेम शेप के होते हैं सेम साइज़ के होते हैं लेकिन हमें बर्तन अलग रखने होते हैं समझ लीजिए कोई घर में बीमार है उसका बर्तन अलग रखना है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसका बर्तन हमें बाकियों से मिक्स नहीं करना है तो हमें समझ भी नहीं आता है कि उसका बर्तन कौन सा है आपके कारण कोई भी हो सकते हैं बर्तन अलग रखने के लेकिन अगर आपको अलग रखना है और वो मिक्स हो जाते हैं हर बार धोने के बाद तो एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगी जैसे कि अभी ये दो ग्लास है एक समझ लीजिए दादाजी का है दूसरा पोते का है हमें अलग ही रखना है तो ऐसे मैं क्या करती हूँ कि जो ग्लास के पीछे का साइड होता है वहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से कोई नेल पेंट से निशान लगा सकते हैं अलग अलग कलर की नेल पेंट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं आप इजीली बता सकते हैं कि ये कलर वाला इसका ग्लास है इसका प्लेट है और अगर नेल पेंट नहीं तो आप ऑयल पेंट भी लगा सकते हैं नेल पेंट की एक प्रॉब्लम ये है कि ये तीन चार दिन में धोने के बाद निकल जाती है तो आपको दोबारा लगानी पड़ती है लेकिन अगर आप ऑयल पेंट लगाते हैं जिससे हम अपनी खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह पेंट करते हैं तो वो तो कभी भी निकलता ही नहीं है फॉर उन ग्लासेस पे प्लेट्स पे रह जाता है तो आप दोनों में से कोई भी आइडिया अपना सकते हैं तो यही थी मेरी सिंपल से टिप्स फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारी बहुत पसंद आई होंगी अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें